लोकल टीवी न्यूज 24x7 सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7 सब पर नजर, सबकी खबर। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भागलपुर एनटीपीसी कहलगांव के कार्यकारी निदेशक को कोविड-19 महामारी के दौरान सीएसआर के तहत कहलगांव के जीवन ज्योति हॉस्पिटल तथा अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने तथा एनटीपीसी हॉस्पिटल और अनुमंडल अस्पताल में 20-20 वेंटिलेटर युक्त बेड सहित 100 बेड का अस्पताल तैयार करने का निर्देश दिया। पिछले कई दिनों से मैंने प्रबंधन से महामारी के दौरान सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मांगी, परंतु अब तक टाल मटोल जारी है। इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रबंधन को छाई उड़ाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बार बार कह चुका हूं, परंतु आज भी स्थिति यथावत है। लोग परेशान हैं, जल छिड़काव का समुचित व्यवस्था नहीं हुआ है। आसपास के गांव में प्रदूषण से लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। परियोजना के आसपास की सड़कें रखरखाव के अभाव में जर्जर हैं। एनटीपीसी कार्यकारी निदेशक को मैंने निर्देशित किया है कि जनहित में तुरंत कार्रवाई करें तथा समस्याओं का निपटारा कर सूचित करें। महामारी से निपटने के लिए जैसे अन्य औद्योगिक संस्थाएं आगे आ रही है, वैसे एनटीपीसी भी आगे आकर महामारी से निपटने में सहयोग करें। इलाज के लिए लोगों को यत्र तत्र भटकना नहीं पड़े। प्रबंधन का रवैया अब तक का असहयोगात्मक रहा है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। कहलगांव अपने सामाजिक नैसर्गिक दायित्व का पालन करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। मैंने आज एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक तथा क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक को पत्र लिख करके कहलगांव के जीवन ज्योति अस्पताल तथा कहलगांव के अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आग्रह किया है। साथ ही 20-20 वेंटिलेटर युक्त बेड की व्यवस्था करने और 100 बेड मॉडर्न संसाधनों के साथ उपलब्ध कराने का व्यवस्था मांग किया है, ताकि यहां के लोगों को इलाज के लिए यत्र तत्र भटकना नहीं पड़े।